अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इट्स मी मिनी। मैं अभी जो है ना एक वीडियो शूट करके हटी हूँ कंक्रीट सैंड सीमेंट की दिस टेक्सचर। सोचा एक व्लॉग भी शूट कर लूँगी कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप जितने दिन इधर आए मिनी रोज़ एक व्लॉग शूट करें, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, क्यों नहीं व्लॉग शूट करते हैं। सो अभी मैं दो वीडियोज़ रिकॉर्ड करके हटी हूँ। एक ये कंक्रीट सैंड सीमेंट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, एंड इसके अलावा मोबाइल ट्राइपॉड से उतार लेते हैं मैंने वाइट ग्रेनी टेक्सचर की वीडियो रिकॉर्ड की है। आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा टेक्सचर है। ये वाला टेक्सचर जो है, अब ये जो इजी का टेक्सचर था ना वो वैसे ही पड़ा है, हमारा सेम टेक्सचर था, हमने इक्वल इक्वल क्वान्टिटी में डिवाइड किया था, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है ये टेक्सचर जो इजी का है, क्योंकि अब ये सिर्फ मिनी लिबिया इस्माइल के चैनल पे वीडियोस अपलोड होती हैं, एक चैनल ही बड़ी मुश्किल से रन हो पा रहा है, तो क्यों ना इस वाले टेक्सचर में हम लोग चार को लैड करके इसको एक नया टेक्सचर बना दें। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको जो ये मशवरा, ये जो हमारा आइडिया है वो कैसा लगा, क्योंकि इस तरह का एक टेक्सचर ऑलरेडी मौजूद है और ये वाला वैसे ही पड़ा है सेम सेम। दो टेक्सचर्स तो बनाने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एक ही चैनल पे वीडियोस अपलोड करनी होती हैं। तो लाजमी बताइएगा कमेंट करके कि हम इसमें चारकोल ऐड करें या ना करें, ठीक है। उसके बाद आजकल हमारा फेवरेट मेरा और इजी और आप सबका टेक्सचर ये है। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर है, इसकी हॉल बकेट इजी ने बना के रखी हुई है, और इस ये मेरा ख्याल है इजी इस टेक्सचर का नाम क्या है, ये चारकोल टाइप टेक्सचर है ना ये। हाँ, मुझे अब ना भूल गया है कौन सा टेक्सचर किधर पड़ा है और कौन सा है और कौन सा नहीं, इसीलिए इजी से पूछ रही हूँ। ये देखो सुपर डस्टी, ये वाली जो शेप थी ना इसके अंदर रख के इसके होल्स बनाए हुए हैं और ये परफेक्टली फिट है इसके अंदर। ये चलें इसको भी क्रम्बल करते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर है ये भी। और आजकल जो हमारा वीडियो वाला मोबाइल था ना वो ख़राब हुआ हुआ है, तो हम एक और मोबाइल में वीडियो शूट कर रहे हैं जो घर में पड़ा हुआ था। आप लोग लाजमी बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट ओके है या फिर हम लोग जो पहले मोबाइल था उसी का और मॉडल जो है वो सेकेंड हैंड पता कर लें, क्योंकि मुझे ख़ुद पर्सनली उसका मोबाइल रिज़ल्ट बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था। और कोई मेरा मोबाइल था 50,000 का शाओमी का, उसका भी रिज़ल्ट उससे मैच नहीं करता। इवन वो फ़ोटोज़ लेने के लिए, स्लोमोज़ लेने के लिए परफेक्ट मोबाइल है, पता नहीं उसमें क्यों इतना ब्राइट चीज़ों को शो करता है। तो इसलिए हम न्यू मोबाइल नहीं ले रहे कि भाई लेने को हम 50 का भी ले लें तो वो फिर फ़ायदा अगर उसका रिज़ल्ट भी सेम जो पहले से ऑलरेडी हमारे पर्सनल यूज़ के मोबाइल वाला वैसा हो ASMR वीडियोज़ में। तो सोच रहे हैं हम कि इसी मोबाइल से काम चला लें। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इस मोबाइल का रिज़ल्ट आप लोगों को कैसा लगता है। मैंने इसमें ब्लैक टप में वाइट ग्रेन वाली वीडियो रिकॉर्ड की है और रेड टप में कंक्रीट वाली, और इससे पहले आज जो है ना वो ये आई डोंट नो ये वीडियो का पब्लिश होती है आई थिंक सो कल होगी, और कल होगी ना तो उससे एक दिन पहले जो दोनों वीडियोज़ हमने शूट की हैं ना वो इसी मोबाइल में की हैं। तो आप लाजमी बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट जो है ना वो कैसा लगा। उसके बाद ये रेड ग्रेनी टेक्सचर है, ये भट्टे की मिट्टी को छानने के बाद जो छानते वक्त ऊपर आती है ना कंक्रीट, ये उसका बना हुआ टेक्सचर है। ये देखिए चले इनको भी कंबल करते हैं। अच्छा, आजकल एक ASMR आर्टिस्ट है ASMR शायद, एक तो एक RM है मेरा ख्याल है, एक RM है और एक AR है। जो ASMR है ना वो व्लॉग में क्रमलिंग करती हैं, और आजकल ये नया ट्रेंड सेट हुआ है जो कि जाहिर सी बात है उन्होंने सेट किया। तो मेरा भी दिल कर रहा है कि व्लॉग अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो साथ क्रमलिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं उनके क्रमलिंग व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं वो व्लॉग्स। आई होप सो मेरी वो वीडियो देख रही हो। इजी ने कहना है मैं बनाने को और तुम मना बैठ के क्रम्बल करी जाओ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इजी शेप्स मेकिंग कर रही हैं, जो टेक्सचर मैंने अभी बनाया उसकी शेप्स इजी बना रही हैं। मैं जब यहाँ होती हूँ तो मैं सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ, जो टेक्सचर्स का काम है ना वो इजी का है। ये देखिए इजी किस तरह से होल शेप बना रही हैं, ये एक शेप है इजी, ये क्ले की है, ये इजी ने कहीं नीचे से उठाई है, इसको ऐसे रखा है, ये होल शेप बनाने का तरीका है। उसके अंदर आपने सारा टेक्सचर डाल देना है, ओवरफ्लो करना है बेसिकली इसको।
उसके बाद जनाब इसको उल्टा कर देना तो ये होल शेप निकल आएगी। जी मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, तो इसको तुम होल शेप नहीं, एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं है, नहीं तो सीमेंट भी मंगवाया हुआ है मैंने, 5 किलो सीमेंट मंगवाया था जो कि 400 का आया है। अब पता नहीं जो लेके आया उसने अंदर से 100-150 की डंडी मारी है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि 4 किलो सीमेंट के रेट की प्राइस क्या है मार्केट में, क्योंकि मैं और इसी सोच रही थी 50 किलो का थैला 1000-1200 का आ जाता है, तो 4 किलो 400 का कैसे आ सकता है। तो और वो सीमेंट भी इजी कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बस पूरा सूरा ही है। तो ये देखें इजी, इसके बाद इजी इससे पहले भी एक टेक्सचर बना चुकी हूँ प्योर सीमेंट का, उसकी वीडियो मैंने कल शूट की थी, और जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे ना आपने वो वीडियो देख ली होगी, वो फ्रंट साइड से बनाई गई वीडियो है और चंक्स उसमें ज़्यादा है। इजी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी जो अंदर पड़ी हुई शेप है ना वो टेढ़ी है, क्योंकि ये सेंटर में होल नहीं आ रहा। अच्छा बड़ी है ना ध्यान से ये देखें, जगह थोड़ी है शायद, क्या इशू है इसके अंदर। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा अब 50% लोग कमेंट करेंगे कि प्लीज़ छत की सफाई कर लें, 50-80% लोग जो है ना वो ये कमेंट करेंगे, सो फील फ्री टू कमेंट, नो इशू। यार अभी आपको अपना फेस नहीं दिखा सकती, और बाप तो देखें सूरज सवा नेजे पे है और हम लोग छत पे काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई टाइम ही मैनेज नहीं होता। अभी मैं आई हुई हूँ तो फिर काम थोड़ा दो हिस्सों में बटा हुआ है, वरना इट्स टू डिफ़िकल्ट टास्क दीज डेज कि हम लोग टाइम मैनेज करें। खैर जब हमारे पास टाइम होता भी था हम तब भी छत की सफाई नहीं करते थे, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था ना कि ये जो छत है ये हमारे यूज़ में नहीं है, ना ही ये और ना ही इसके नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। जिस वजह से ना कभी कोई ऊपर आया है, ना कभी इस छत को किसी ने देखा है, तो हमने ना शुरू से ही इस छत की सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि अगर कोई भी बैठता है एक मिसाल के तौर पर, तो वो भी अपनी जगह साफ़ करके बैठता है, तो मिनी इजी जो है ना अब जगह साफ़ करके नहीं बैठती। तो यार जहाँ पे हम क्रमलिंग कर रहे होते हैं ना हम उसका पूरा सेटअप बना के बैठते हैं नीचे, और हम एक घंटे से ज़्यादा छत पे नहीं रहते। मतलब कई स्मार्ट आर्टिस्ट है ना जो ब्लॉग्स शूट करती हैं या जो पीस पीस की चीज़ें बनाती हैं, उनका तो आधा दिन ही छत पर गुजर जाता है ना। हम लोग मैक्सिमम में 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा हम कभी भी छत पर नहीं रुके, कभी भी नहीं। तो फिर हमें इतना एज इट कभी इशू महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सिर्फ 1 घंटा ही छत को देते हैं एक दिन में, और शुरू से लेके अब तक, ठीक है। अच्छा जी अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो टेक्सचर जो मैंने लिक्विड से बनाया था, जिसकी वीडियो जिसको आपने चॉकलेटी ब्राउन डर्ट का नाम दिया था। बेसिकली ये कैमरा रिजल्ट की वजह से चॉकलेटी ब्राउन लग रही थी, रियल में इसका कलर पता नहीं कैसा है, अजीब सा ही है। ये देखें ये भी ड्राई होने के लिए रखा हुआ है इसके चंक्स, चलें इसको भी थोड़ा क्रम्बल करते हैं। मैंने सोचा एक व्लॉग शूट कर लें, अल्लाह जाने अब ये क्यों हार्ड हो गया। खैर ये वैसे भी रफ ही था, ये सारे टेक्सचरों का लीकर निकला हुआ था, ये हमने कभी प्रॉपर इसको बनाया नहीं था। ये तो अब ट्रेंड सेट होने के बाद हमने कहा यार ये तो हमारे पास भी पड़ा है, तो उसका टेक्सचर बना के रखा हुआ है एज इट, इसे प्रॉपर नहीं बनाया गया, मतलब इसमें सीमेंट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया गया, ये सिंपली सारे टेक्सचरों का जो हमने पानी एक टप में जमा करते थे ना ये उसका लिक्विड है। अच्छा ये जो टेक्सचर्स है ना ये सिर्फ गर्मियों के हैं, सर्दियों में तो इस तरह के टेक्सचर सूखने के लिए मेरा ख्याल 1.5-2 घंटे चाहिए और 2-2 महीने चाहिए, क्योंकि आपका पूरा चैनल इन टेक्सचर्स पर डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जल्दी ड्राई नहीं होते, गर्मियों में तो चलो हो ही जाते हैं। अच्छा अब आप बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि रेड डर्ट आप इनके चैनल के आपके पास नहीं है, तो जी क्यों नहीं है, ये पड़ी थी यहाँ पे, मैंने इसकी शेप्स बना के रखी हैं, ये देखें ये रेड ही तो है, ये देखिए अब आपको क्लियरली नज़र आ गया होगा, ये देखिए अभी ये कल मैंने शाम को बनाई थी, मैंने सोचा चले भाई जब एक चीज़ पड़ी है तो क्यों वो वैसे ही पड़ी हुई है, इजी शेप्स मेकिंग करी है जिसकी आवाज़ पीछे से आ रही, ये देखिए चंद शेप्स ही हैं ये, वैसे तो ये काफ़ी बड़ा टेक्सचर्स था लेकिन मैंने इसके साथ एक कलाकारी की है, मैंने इसको जैसे रेड डर्ट नहीं लोगों ने बनाई प्योर डर्ट बनाई है, मैंने सोचा यार मेरे पास रेड टेक्सचर पड़ा है मैं उसकी डर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ सॉफ्ट डर्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने वो डट बनाने के लिए रखी है, तो फिर ज़्यादा टेक्सचर उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो ये फिर वो टेक्सचर है जिसकी मैंने जो है ना ये सैंड है बेसिकली जो नीचे रुकी हुई थी, और ये मैंने लिक्विड बना कर रखा हुआ है इसका,
सीमेंट वगैरह डाल के फुल उस प्रोसीजर के साथ जिस तरह ASMR आर्टिस्ट ने सिखाया है कि आप डर्ट बना सकती हैं, ये देखें उफ़ ये तो मक्खन मिलाई लग रहा है। इसमें सीमेंट मिक्स करके और उसमें पानी डाल के सुबह आके मैंने पानी इसमें से निकाला है, सारा प्रोसीजर फॉलो किया है ये देखने के लिए कि ये बनती है इसकी सॉफ्ट डार्ट रेड टेक्सचर की या नहीं बनती। सो ये इन प्रोसेस है, ये कल इंशाल्लाह ड्राई हो जाएगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर, ये बहुत फ्लफी है अभी तक तो लग रहा है कि इसके कोई चांसेस नहीं है, लेकिन होप्स हो ये जब ड्राई होगा ना तब पता चलेगा इसका क्या सीन है। और कुछ एक दिल मैंने इसमें से निकाल के बाहर रखा है, ये भी यही है, इसके ऊपर मेरा ख्याल पानी भी काफ़ी आया हुआ है, खैर ड्राई हो जाएगा। और प्योर डेट मैंने बनाने के लिए रखी हुई है, फिर ये देखें इसमें से मैंने पानी सुबह निकाला है। अच्छा अब मैंने कहा पहले इतनी बना के देखती हूँ, अगर तजर्बा कामयाब रहा इजी हमारा तो हम फिर एक ही दफ़ा में टब भर के बना लेंगे। अब ये भी ड्राई होने के लिए पड़ी हुई है, ये मेरा ख्याल प्योर डर्ट है। इसके अलावा भी एक दो बर्तनों में हमने छोटे छोटे डेमोस टाइप बनाने के लिए रखे हुए हैं क्योंकि हमने सीमेंट तो मंगवा लिया था लेकिन अभी तक डर्ट नहीं मंगवा सके, फिर जैसे ही आएगी तो फिर हम इंशाल्लाह पूरे टब की डर्ट वाली वीडियो बनाएंगे। और ये देखिए फ़िलहाल ये है कि कल तक ड्राई हो जाएगी इंशाल्लाह। चले जी मुझे दीजिए इजाज़त, आप लोगों की सर रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया व्लॉग के ताकि आप लोग भी खुश हो जाएं और मेरी भी एक वीडियो बन जाए और आप लोगों के साथ इंट्रैक्शन भी हो जाए। वाह ये देखिए ना इसका कलर सीमर टाइप है लेकिन वाटर में जाके इसका कलर रेड हो जाता है, आई डोंट नो, ये रफ़ टफ सा ही टेक्स्चर है जिसकी मैंने वीडियो बना ली थी। चले जी मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी रोज़ एक व्लॉग बनाने की, अगर आप लोगों को पसंद करेंगे, व्यूज़ आएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँ। जब तक हूँ ओके जी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।